सुनना, आज कुछ अलग बनाते हैं। हाँ यार, मैं भी तुझसे यही कहना चाहती थी। चल कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो एक काम करें, हलवा बनाए क्या? नहीं यार, पूड़ी सब्जी बनाते हैं बढ़िया सी। अरे पूड़ी वूड़ी छोड़, हलवा बनाते हैं। अभी तो खाया था 2 दिन पहले ही हलवा, अब पूड़ी सब्जी बनाते हैं। पूड़ी सब्जी और हलवे के चक्कर में दोनों बहनों में बहस होने लगी। पल्लवी हलवा बनाने को तैयार नहीं थी और मानसी पूड़ी सब्जी के लिए नहीं मान रही थी। इसी बात को लेकर दोनों बहनें रसोई के अलग अलग कोनों में मुंह फुलाकर बैठ गईं। फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा सुन, अब गुस्सा छोड़, अब चल पहले हलवा बनाते हैं और फिर तू वादा कर कि पूरी सब्जी भी बनवाएगी मेरे साथ। हाँ पक्का पक्का बनवाऊंगी। पल्लवी और मानसी जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। दोनों आपस में खूब लड़ती थीं, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती थी। हर बार जब भी उनका झगड़ा होता तो थोड़ी देर की नाराजगी के बाद वो कुछ न कुछ करके बीच का रास्ता निकाल ही लेती थी। उस दिन भी पल्लवी और मानसी ने ऐसा ही किया। रसोई में हलवा भी बना और पूरी सब्जी भी। दरअसल दोनों ही बहनों को खाना बनाने का बहुत शौक था और दोनों वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती थी। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीत रहा था और फिर एक दिन, सुनना मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। यार वो ना एक लड़का है, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, अरे वाह, अब नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं पता, कभी बात नहीं हुई, बस आंखें मिलती हैं। ना वो कुछ कहता है और मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती आगे से बात करने की। चल दिखा मुझे कहाँ रहता है वो। अरे जब मैं बाजार जाती हूँ ना तब मिलता है मुझे वो, रोज। क्या बात कर रही है, वैसे मुझे भी तुझे किसी से मिलाना है, मुझे भी एक लड़का पसंद है। और कमाल की बात तो यह है कि मेरी भी उससे कभी बात नहीं हुई, बस तेरी तरह नजरों नजरों का प्यार है मेरा भी। अच्छा तो तेरा वाला कहाँ रहता है? वहीं बाजार में, कमाल है ना। अगर ऐसा है तो अभी चल, आज दोनों से मिल ही लेते हैं, चल। दोनों बहनें फौरन बाजार पहुंची, लेकिन उन दोनों जुड़वा बहनों को साथ देखकर वहां खड़ा एक लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पल्लवी और मानसी दोनों उसकी तरफ भागी। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आया तो लड़का बोला, आप दो हो? मतलब दोनों अलग अलग हो या मुझे कुछ हो गया है? मतलब अरे हम दो ही हैं, असल में हम जुड़वा बहने हैं। तो मैंने किससे प्यार, मेरा मतलब है कि मैंने किसे देखा? हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो और मुझे लगता रहा कि ये मुझसे प्यार करते हैं। ये तो भारी कंफ्यूजन हो गया। देखो मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि मुझे आप दोनों से प्यार है, मतलब अरे अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब क्या करें। पल्लवी और मानसी दोनों ही कवि से प्यार करती थी और कवि भी अनजाने में दोनों से ही प्यार कर बैठा। नतीजा ये हुआ कि कवि ने दोनों बहनों से एक साथ शादी करने का फैसला किया और दोनों बहनें भी इस बात के लिए राजी हो गईं। लेकिन अब समस्या ये थी कि कवि की कम तनख्वाह में घर का खर्च कैसे चले। दरअसल कवि अपनी माँ के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। काफी नानुकुर के बाद कवि ने अपनी माँ कमला को अपनी शादी के लिए मना लिया। और फिर शादी के बाद, वैसे तो द्वार पर एक ही कलश रखा जाता है, पर अब मेरी दो दो बहुएं हैं तो तुम दोनों के लिए अलग अलग कलश रखा है मैंने। आओ बहुओं, गृह प्रवेश करो। जैसे पल्लवी और मानसी ने अपने पैर आगे बढ़ाए ठीक उसी वक्त उनका मकान मालिक वहां आ पहुंचा। और फिर, सुन कमला, ये सब नहीं चलेगा, मकान देते वक्त बस दो लोगों के रहने की बात हुई थी। हाँ पर लाला, बेटे की शादी तो होगी ना कभी। हाँ होगी, मगर दो दो पत्नियां भला कौन लेकर आता है। देखो मैं एक हफ्ते का वक्त देता हूँ, तुम चारों अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चले जाओ यहाँ से, समझे? ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। मकान मालिक लाला बहुत ही खड़ूस आदमी था। कवि और कमला ने उससे बहुत मिन्नतें की पर वो नहीं माना और इस सब में बेचारी पल्लवी और मानसी के गृह प्रवेश की रस्म भी पूरी ना हो सकी। एक हफ्ते बाद चारों ने एक दूसरा मकान किराए पर लिया। और फिर वो लाला कितना खड़ूस था, उसने बहुत बुरा किया हमारे साथ। क्या हूँ, कितनी देर से देख रही हूँ तू कुछ बोल ही नहीं रही है, आखिर चल क्या रहे तेरे मन में? मुझे अपना मकान चाहिए जिसमें तू और मैं फिर से पूरे सम्मान के साथ गृह प्रवेश कर सके। हैं? ये क्या बोल रही है, अपना मकान? अरे हलवा या पूरी सब्जी थोड़ी ही है जो मिलके बना लेंगे। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है तूने, अब तो हलवा और पूरी सब्जी बनाकर ही बनेगा अपना मकान और हम दोनों मिलकर बनाएंगे।
मानसी की बात पल्लवी को भी जज गई। दोनों ने कवि और उसकी माँ कमला को भी मना लिया। अब कवि अपनी फैक्ट्री में काम करता और उधर पल्लवी और मानसी ने मिलकर पूरी सब्जी और हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। दोनों के हाथों का स्वाद जल्द ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया और उनके ग्राहक दिन दूने और रात चौगुने होने लगे। फिर कुछ साल बाद, आओ बहुओं, तुम्हारा अपने घर में स्वागत है, आओ गृह प्रवेश करो। दोनों बहनों ने अपनी मेहनत से अपना मकान खड़ा किया और फिर पूरे सम्मान और खुशी के साथ दोनों का गृह प्रवेश हुआ। खुशी के आंसू सबकी आंखों में थे, खास तौर पर कवि, जिसे आज अपने फैसले पर बहुत गर्व हो रहा था। विष्णु, मेरे पास आओ बेटा। जी बाबूजी, मैं यहीं पर हूँ आपके पास। एक दिन तो सबको जाना है, मेरा भी वक्त आ गया है। लक्ष्मी, तुम भी मेरे पास आकर बैठो बेटी। अब सुंदर कहाँ है? भैया रास्ते में है बाबूजी, बस पहुँचते ही होंगे। वो भी आ जाता तो ठीक रहता। तुम सबको एक जरूरी बात बतानी थी, कहीं उसके आने से पहले मेरे प्राण ना निकल जाएं। ऐसा न कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, भैया भाभी बस आते ही होंगे। आएंगे, जरूर आएंगे वो, पर मेरे चले जाने के बाद, और आते ही अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छे से जानता हूँ उन दोनों को। तुम दोनों बहुत भोले हो और वो दोनों एक नंबर के चालाक। खैर, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैंने इस तरह बंसीलाल स्वर्ग सिधार गए और उनकी बात अधूरी ही रह गई। विष्णु और लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगे। बंसीलाल के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम सुंदर और उसकी पत्नी मालती थी, जबकि विष्णु उनका छोटा बेटा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी थी। बंसीलाल हमेशा से विष्णु के घर पर ही रहते थे। विष्णु और लक्ष्मी उनकी खूब सेवा करते थे, जबकि सुंदर और मालती को तो हमेशा से बस बंसीलाल की जमीन जायदाद से ही मतलब था। जैसा कि बंसीलाल ने कहा था, उनकी मौत के बाद सुंदर और मालती वहाँ पहुँचे। विष्णु, पिताजी चल बसे क्या? जी भैया, हम अनाथ हो गए भैया। बाबूजी, बाबूजी नहीं रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत रख भाई। अच्छा ये बता, पिताजी ने जाते हुए कुछ कहा क्या? नहीं तो मतलब, अरे वही अपनी जमीन या खेत के बारे में कुछ? नहीं भैया, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है ना, आप दो ही भाई तो हो, आधी आधी बांट लो जमीन। भाभी, अभी अभी पिताजी का देहांत हुआ है, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा बिल्कुल अभी कागज पत्तर मांग रही हूँ। सुंदर और मालती एक नंबर के लालची थे। सुंदर बहुत पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में शहर चला गया था और शहर में रहकर उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था, जबकि विष्णु सिर्फ इसलिए गांव में रहा ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके और खेती बाड़ी संभाल सके। इस तरह से सुंदर के मुकाबले विष्णु हमेशा से ही गरीब ही रहा। लेकिन इस बात का न तो विष्णु को कोई अफसोस था और न ही उसकी पत्नी लक्ष्मी को। दोनों ने मिलकर बंसीलाल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। जबकि अमीर होने के बावजूद सुंदर और उसकी पत्नी मालती एक नंबर के कंजूस और लालची थे। उन्होंने जीते जी तो कभी बंसीलाल की सुध नहीं ली, लेकिन अब उनके देहांत के बाद अपना हिस्सा मांगने जरूर पहुंच गए थे। विष्णु, अब तो सारे काम निपट गए हैं और मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है, तो आओ अब जरा बंटवारा कर लेते हैं। भैया, बंटवारा करना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या विष्णु भैया, आप तो रहते हो गांव में, अपनी जमीन की देखरेख कर ही लोगे, पर हम शहर से कहां आते रहेंगे बार बार, इतना टाइम थोड़े ही होता है हमारे पास। अब बंटवारा हो जाए तो हम अपने हिस्से की जमीन बेचकर निश्चिंत हो जाए और फिर चले जाए वापस। भाभी, तो क्या गांव से कोई नाता नहीं रखोगी अब? अब यहाँ गांव में है ही क्या लक्ष्मी, पहले पिताजी थे तो फिर भी आना जाना हो जाता था, अब क्या ही करना है यहाँ आकर। मालती और सुंदर ने जिद ठान ली थी कि बंटवारा तो होकर रहेगा, और फिर बंटवारे से ठीक एक दिन पहले। सुनो जी। हाँ बताओ। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, अगर हम कुछ ऐसा करें कि विष्णु अपनी जमीन भी हमें बेच दे तो कैसा रहेगा? पर वो अपने हिस्से की जमीन हमें क्यों बेचेगा, और हम क्या करेंगे इतनी सारी जमीन का भाई? हम क्या करेंगे मतलब, अरे सारी जमीन बेच बाच कर शहर में बढ़िया घर और चमचमाती गाड़ी लेंगे और क्या। पर ऐसा होगा कैसे भाई? मालती ने सुंदर को अपने दिमाग की सारी खुराफात बता दी। फिर अगले दिन सुंदर सुबह विष्णु से बोला,
विष्णु क्या कर रहे हो? खेत जा रहा हूँ भैया, बीज बोने हैं। अच्छा तो तुम मेरे साथ तहसील नहीं चलोगे क्या? तहसील? वहाँ क्यों जाना है भैया? अरे वो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवानी पड़ेगी ना। ओहो भैया आप ही देख लो ना ये सब, मुझे वैसे इन सब के बारे में क्या पता। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। भोला भाला विष्णु सुंदर पर बहुत भरोसा करता था, आखिर दोनों सगे भाई थे। उधर मालती और सुंदर तो यही चाहते थे कि विष्णु उनके साथ ना जाए। मालती और विष्णु उस दिन तहसील के बहाने सारा दिन घूमते रहे और फिर शाम को अपने प्लान के मुताबिक वो घर में दाखिल हुए। अरे भैया भाभी आ गए आप लोग, थक गए होंगे ना, पूरा दिन लग गया आज तो। अरे पूछो मत, पूरा दिन धूप में परेशान हो गए। और हासिल क्या हुआ? ढेला? ढेला ही मिलेगा ना, पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा? मतलब पिताजी हमारे लिए इतनी सारी जमीन छोड़ तो गए है ना? अरे ये जमीन हमारी नहीं है लक्ष्मी, पिताजी ने बैंक से लोन लिया था ना 2 लाख रुपए का, जो उन्होंने चुकाया नहीं और बैंक ने अब जमीन पर केस लगा दिया है। तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, जमीन हमारी तो क्या किसी का भी नाम नहीं हो पाएगी। पर भैया पिताजी ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते, अगर वो बता देते कि जमीन गिरवी रखी है तो हम नाराज नहीं हो जाते? खुद तो चले गए और हमें भिखारी बना गए। कुछ भी हो भाभी पर ऐसे तो मत बोलिए पिताजी के बारे में। अरे तुम चुप रहो लक्ष्मी, ये देख रही हो ये बैंक का नोटिस है, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमने 1 महीने के अंदर 4 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो खेत की जमीन के साथ साथ हमारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। हे भगवान अब हम क्या करेंगे भैया? अब तो बस एक ही तरीका है विष्णु, 2 लाख तुम दो, 2 लाख हम देते हैं और जमीन बचा लेते हैं। भैया लेकिन अब इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। विष्णु और लक्ष्मी सुंदर और मालती की चाल में फंस चुके थे। वैसे एक तरीका है जिससे काम बन सकता है। हाँ तो जल्दी बताओ ना। अगर ये दोनों अपने हिस्से की जमीन बेच दें तो काम बन सकता है। पर हम जमीन कैसे बेच सकते हैं, आप ही ने तो बताया कि जमीन पर केस है। हाँ कोई और तो नहीं ले सकता, लेकिन हम तो ले सकते हैं। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जमीन हमें दे दो तो मैं अपने भैया से 2 लाख रुपए लेकर बैंक के पैसे चुका दूंगी, और फिर जब जमीन पर केस खत्म हो जाएगा तो उसे बेचकर अपने भैया के पैसे चुका दूंगी। भाभी ऐसे तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी। अरे नहीं ऐसा मत सोचो, वो नदी के पास अपना छोटा खेत है ना, ऐसा करो उसे तुम ले लो, उसी पर खेती करो। तुम मेरे भाई हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए, बस एक वही ऐसा खेत है जो गिरवी नहीं है। मालती और सुंदर ने बहुत गहरी चाल चली थी। उधर विष्णु और लक्ष्मी सोच रहे थे कि उनके भैया भाभी ने उनका घर बिकने से बचा लिया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा तय हुआ था, लक्ष्मी और विष्णु ने अपने हिस्से की जमीन मालती के नाम कर दी और खुद नदी के पास वाले खेत में खेती करने लगे। फिर कई दिन बीत गए, मालती और सुंदर सारी जमीन मिलने से खुश थे तो विष्णु और लक्ष्मी भी अपना घर बच जाने की बात से संतुष्ट थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास वाले खेत में, लक्ष्मी लक्ष्मी जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो खेत में जुताई करते हुए मुझे क्या मिला। जुताई में विष्णु को एक लोहे का बक्सा मिला था जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त शहर में मालती के घर की घंटी बजी। ये घर सुंदर का है? जी हाँ, आप कौन? हम लक्ष्मी सागर बैंक से आए हैं, आपके पिता बंसीलाल ने 4 लाख रुपए का लोन लिया था हमसे और उन्होंने उसकी सिर्फ 3-4 किश्तें ही चुकाई हैं। हम गांव में आपकी खेती की सारी जमीन अपने कब्जे में ले चुके हैं और उसकी नीलामी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें तो आपको सूद समेत कुल 9 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, वो भी 3 महीनों के अंदर। सुंदर आए तो उन्हें ये बात बता देना। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया, लेकिन सच तो यही था कि अब जाकर हुआ था असल मायने में बंटवारा। जिसने जो बोया था वही उसे मिल रहा था।